बचे हुए भूमिहीन हैं और जो पात्र हैं उनकी भी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वंचित वर्गों के लिए योजनाओं की बात यहां काफी होती थी, लेकिन जमीन पर आप लोग जानते हैं कम उतरती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में और डीबीटी के कारण ऐसी व्यवस्था बन गई है, वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दी जाएगी। उसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे उनके पास, वही मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल, नो रिलीजन नो बार, भूमिहीन यही क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी ऑफ पीएमएवाई। जब चली थी तब भी मैंने कहा था किसी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा और मुझे खुशी इस बात की है कि एक या दो एवेलेशन हुए थे उसको शाम तक उन्होंने कर दिया था, किसी भी गरीब और कमजोर व्यक्ति को नहीं छुआ गया है। अब यह है कि हम समर्थ हैं, हमारे पास अपना भी है और सरकार की जमीन भी दखल की है, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार का या प्रशासन का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। गरीब अगर आदमी है, मध्यम वर्ग की है, तो जरूर सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा और कानून के दायरे में जो संभव होगा वो जरूर मदद की जाएगी। आप इस तरह समझिए कि अब किसी पंचायत का या किसी गांव का व्यक्ति है तो उसको तो वही आवास बनाना होगा ना। तो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गाँव या ऐसी कोई पंचायत होगी जहाँ सरकारी भूमि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जो लोग जहाँ के रहने वाले वहीं उन्हें भूमि दी जाएगी। क्योंकि अब अनंतनाग के किसी पंचायत के व्यक्ति को अगर हम ले जाकर के सांबा में जमीन देंगे तब तो हम उसके ज्यादा अनर्थ करने वाले।